हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। So, आज का जो टॉपिक है आपको पता है कि वो कौन सा मैंने पिक किया है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, पूरी दुनिया जो है इस वक्त चीजें देख रही है। अगर मैं देखूं ना पास्ट मंथ, वन मंथ से जो है चीजें जो है ना कुछ जरा गड़बड़ सी लग रही है मुझे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, मैंने जो थंबनेल बना के डाला था इसमें मैंने उन सारे लोगों का जिनकी लेटेस्ट न्यूज अभी अभी आई है, जिनके ऊपर या तो अटैक हुए हैं या उनके घर पे कोई ना कोई जहादी पहुंचे। तो अगर आपको नहीं पता तो सलमान रश्दी जो एक राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी सैटैनिक वर्सेस, वो न्यूयॉर्क में थे और वो न्यूयॉर्क में अपनी एक स्पीच देने वाले थे। वो स्पीच देने के लिए स्टेज पे गए और वहां पर एक कोई जिहादी पहुंच गया था और उसने जाकर उनको उठाकर नाइफ से मारना शुरू कर दिया, काफी दफा उनको स्टैब किया, राइट। सुना था पर मुझे नहीं पता था क्या किस चीज पे बात चल रही है। बाद में मुझको पता चला एंड आई वाज जस्ट लाइक व्हाट। तो खैर अच्छा, इस पे हम आगे चलेंगे, मगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि इस महीने, जस्ट इन दिस मंथ, क्या हुआ है, किसके साथ, किस तरह से हुआ है। अब एक महीना नहीं, तीन महीने पहले आया था नुपुर शर्मा का केस, ठीक है ना, जहां पर उन्होंने वही चीज जो कुरान में लिखी है उन्होंने बोल दी थी, तो उनके ऊपर फतवे जारी हो गए थे, उनसे कहा गया कि आपने तो ब्लास्फेमी कर दी है, ठीक है ना। तो अब पूछा जाए उनसे कि ब्लास्फेमी कैसे की है, तो ओ आपने मैं जब पूछती हूँ लोगों से क्या ये कुरान में नहीं लिखा हुआ आपके, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, चलो ठीक है जाकिर नाइक की वीडियो दिखा दो इनको, जाकिर नाइक वही बातें कर रहा है। अच्छा नहीं वो इस तरह से नहीं है ना, वो जिस स्टाइल में बोली थी, अरे भाई किस स्टाइल में बोली थी, स्टाइल भी होता है बोलने का। वो तंज करके उन्होंने कहा था वो तुम्हारा उड़ने वाला घोड़ा, ओ भाई किसी को जब नहीं पता घोड़ा था बुराक था, उनको नहीं पता बुराक था तो नॉट एवरीबडी नोज। आप भी तो बोलते रहते ना कि तुम्हारे बुत, तुम्हारे हाथी, तुम्हारा बंदर, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, आप भी तो बोलते हो ना, तो बस दैट्स इट। आपके मौलाना वहां पे बैठ के जब एक लिंग को फाउंटेन बोल रहे हैं बार बार, तो उस वक्त आपको नहीं हो रहा होता, उस वक्त नहीं दिखा, वो नहीं दिखा किसी को, वहां पर आंखें बंद थी सबकी। आई मीन वो पहले वाला जो क्लिप है उसको भी तो देखो ना कि मौलाना ने क्या बोला था, इस हिसाब से बोल दिया। यू जस्ट नीड एन एक्सक्यूज। उस पे जाकर जो है ना मेरा दिमाग बड़ा ही ठनका था, क्योंकि उस बंदी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ ये मैं एग्री करती हूँ कि भाई टॉक शोज में या जो बंदे इस मुकाम में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, टीचर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, यू नो पीपल लाइक दैट शुडंट मेक दोस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। हाँ कोई एक्टिविस्ट बोल रहा है, कोई उस चीज पे स्कॉलर बोल रहा है तो समझ में भी आता है, आई कैन गिव यू दैट मच, मगर उसका मतलब ये थोड़ी है कि उस बंदी की जीना हराम कर दो, उसका सर तन से जुदा कर दो। उसके पीछे आप लोगों ने 9 बंदों के सर तन से जुदा कर दिए एक महीने में, कि वो तो छोड़ो उसने जो बोला वो तो गलत भी नहीं बोला, आपकी कुरान में लिखा है वो चीजें, हदीसों में लिखी है। हाँ आपने उसके सपोर्ट करने वाले, किसी ने तस्वीर लगा ली, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया तो उसको मार दिया, किसी ने ये करा तो उसको मार दिया, उसको What is this? और इंडिया के सेक्युलर दिमाग वाले लोग बैठ के नुपुर शर्मा को कह रहे थे कि ओ माय गॉड यू नो नुपुर शर्मा ने गलत किया है। नुपुर शर्मा, आई मीन अगर नुपुर शर्मा ने गलत किया है, कॉमन सेंस की बात मुझे एक बात बताएं, मैं कोई बुक लिखती हूँ ठीक है, उसमें मैंने कोई बकवास लिख दी है, अब वही बकवास जाके कोई और तीसरा बंदा चीखता बोलता है कहीं से, तो मैं क्या उसका सर तन से जुदा कर दूं? वो तो कहेगा तुमने खुद बुक में लिखा है, वो ये तुम्हारे ही वर्ड्स हैं, मैंने बोले हैं। कोई सेंस होती है, कोई दिमाग होता है क्या आपके सेक्युलर या रैशनल लोग जो है उनके दिमाग चल पड़े हैं? यानी आपने पॉलिटिकली करेक्ट होना है, आपने सिर्फ एक बायस बेचना है, आपने सिर्फ एक एजेंडे को चलाना है, तो उसके लिए आप यानी आंखें बंद करके मींच के लोगों को इतना आपने यानी स्टूपिड समझा हुआ है कि हमारे पास दिमाग ही नहीं है, हम दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। दिस इज लाइक द हाइट ऑफ इट। So, ये जो डबल ड्रामा हो रहा है ना, तो खैर नुपुर शर्मा का चक्कर चलाइए। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।